एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की बात करें तो 23 जून को माननीय गृह मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल मोड पर किया था और उसके बाद ये जनता को समर्पित कर दिया गया था। 16 अक्टूबर से जो है ओपीडी यहाँ पर शुरू कर दी गई थी और कल की बात करें तो कल से जो है इनडोर सर्विसेज जो हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं, यानी कि पेशेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर एडमिट करना शुरू कर दिया गया है। जीएमसी जम्मू के सामने महेशपुरा स्थित नवनिर्मित बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल में सोमवार से पेशेंट्स के लिए इंडोर सेवा शुरू कर दी गई है। पहले चरण में एक वार्ड को शुरू किया गया है जिसमें आर्थो पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में कुल 182 बेड हैं जिसमें से अभी एक वार्ड को शुरू किया गया है। बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल में मौजूदा ओपीडी में रोजाना मरीजों को देखा जा रहा है, मगर इंडोर सुविधा ना होने के कारण बढ़ती मामलों को जीएमसी जम्मू में ही भेजा जा रहा था। इंडोर सेवा शुरू होने से जीएमसी पर आर्थो मरीजों का लोड कम होगा और वहां स्थापित आर्थो बेड दूसरे मरीजों की मेडिकल केयर में प्रयोग में लाए जाएंगे। ट्रामा और इमरजेंसी मामलों को अभी जीएमसी में ही देखा जाएगा। जॉइंट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का लगभग सामान पहुंच गया है जिससे अगले एक दो माह में सर्जरी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इंडोर वार्ड पहले फ्लोर पर स्थापित है जिसमें अब आर्थो पेशेंट्स को यहां एडमिट कर उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में साफ सफाई और पेशेंट्स की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। मेरे यार टांग फ्रैक्चर हुआ है, इसको अब राड पड़ी हुई है, निकालना है। पहले जीएमसी में डाला था इसको, तो अब यहाँ पे आए नया अस्पताल में। यहाँ पे अच्छा चल रहा है, साफ़ सफाई है, ठीक है। पहले वहाँ पे जाते थे ये इतना था, थोड़ा रश होता था, बाकी ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं? बिल्कुल सही मिल रहा है, खाना भी अच्छा मिल रहा है और देखभाल भी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे। तो कब से आप एडमिट हुए हैं यहाँ पर? कल ही से हुए हैं अभी एडमिट। तो कल का इधर आया कि भर्ती हुए हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे आ रहे हैं, खाना खुना बहुत अच्छा, देखभाल हो रही है आपकी। और देखो जो ऊपर की मर्जी होगी वो होएगा। बाजू में फ्रैक्चर आ गया। हाँ जी। तो किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जा रही है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? अब वो अच्छी है, नया खुला है, उनको हर चीज़ की अच्छी मिल रही है। तो आप पहले जीएमसी गए थे या डायरेक्ट यहाँ आए? हम डायरेक्ट इधर ही आए थे। हाँ जी, उधर से इधर बहुत ज़्यादा फर्क है जीएमसी से। अभी हम इधर ठीक ठाक, बोले हर चीज़ की बेस्ट मिल रही है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने जानकारी दी कि इस अस्पताल को फेज मैनर में शुरू किया गया है। सबसे पहले आउटडोर सर्विसेज को शुरू किया गया था और अब इंडोर सर्विसेज को शुरू कर दिया गया है जिसमें पेशेंट्स को कंफर्ट जोन में रखते हुए मेडिकल केयर दी जाएगी। ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल को फेज मैनर में स्टार्ट किया, पहले ओपीडी सर्विसेज की, फिर इंडोर स्टार्ट किया यस्टरडे, एंड 80-90 बेडेड वार्ड है जो हमने खोला है। आस्ता आस्ता एडमिशनें बढ़ेंगी इसमें। नेक्स्ट फेज में हमारा होगा कि ऑपरेशन थिएटर्स, सीटी स्कैन है, डीआर सिस्टम है, जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स वो इस्टेब्लिश हों, ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल बढ़ेगा तो वार्ड्स और भी हम इंक्रीज़ करेंगे। तो फेस्ड मैनर में करने का ये फ़ायदा रहता है कि गलतियाँ कम होती हैं, क्योंकि पेशेंट की जान होती है एट रिस्क। कोई ऐसा स्टेप ना हो जाए हमसे कि सम पेशेंट्स लाइफ कम्स एट रिस्क। तो फेस्ड मैनर में करने से यही हमने एडवांटेज देखा है कि ऑपरेशन थिएटर बाद में करेंगे, सर्विसेज में कोई कमी पेशी हो पूरी करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से वर्कलोड की बात करें तो जीएमसी में काफ़ी वर्कलोड जो है हमें देखने को मिलता है। नया अस्पताल खुलने से, सर्विसेज शुरू होने से कितना वर्कलोड में जो है आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आप देखिए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पूरा एयर कंडीशनड है, कम्फर्टेबल पेशेंट को एनवायरनमेंट मिलेगी, इन एडिशन टू मेडिकल सर्विसेज। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको नए हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, अदरवाइज़ एक हॉस्पिटल लोड बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि वर्कलोड कहीं कम होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी नाउ, जो टॉप ऑफ द रेंज हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्विसेज हैं, बाकी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स हैं, ताकि वो हम अच्छी एनवायरनमेंट में अच्छे पेशेंट्स को दे पाएँ। स्टाफ की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, क्या लगता है वो सफिशिएंट है या वहाँ पर जो है अभी ऐड ऑन करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली ऐड ऑन करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। इक्विपमेंट वाइज हम देखें तो सीटी स्कैन अभी यहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है, लग रहा है रादर, डिजिटल रेडियोग्राफी इंस्टॉल हो रही है, लैब्स बनेंगी इसमें, ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। रिहेबिलेशन में हम बड़ा काफ़ी फोकस है कि जो पेशेंट ठीक हो गया है, जबकि फ्रैक्चर हुआ है, उनको कैसे वापस अपने कदमों पर लाना अच्छी तरह। तो स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट चल रही है, हम जल्दी ही उसका भी रिक्रूटमेंट हमने भेजा हो गवर्नमेंट को, वहाँ से भी कोशिश करेंगे कि पोस्टें एडवर्टाइज सेंक्शन होकर आ जाएँ ताकि
हम अच्छी सर्विसेज दे पाएँ और कोई भी कमी ना रहे। इलेक्टिव ऑपरेशंस की बात करें तो कब तक शुरू हो जाएगा? जल्दी मैं इसको टाइमलाइन तो नहीं बताऊंगा, लेट द वार्ड्स रन स्मूथली, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो ऑर्थो की सर्विसेज जीएमसी में दी जा रही हैं, क्या ये बंद कर दी जाएंगी या यहाँ पर भी पार्शली चलती रहेंगी? नहीं, अभी तक तो पार्शली चलेंगी, स्पेशली ट्रॉमा, क्योंकि जब आदमी को चोट लगती है ज़रूरी नहीं कि हड्डियों की चोट लगे, उसका लीवर स्प्लीन भी अफेक्ट होता है, ब्रेन इंजरी भी होती है, उसमें बाकी स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ट्रॉमा अभी कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ ना हो जाए। फिलहाल इंडोर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, सीटी स्कैन की बात करें उसे स्थापित कर दिया गया है और आने वाले समय में जो है इसे सुचारू रूप से चलाया भी जाएगा और ऑपरेशन थिएटर में इलेक्टिव ऑपरेशंस जो है वो भी यहां पर किए जाएंगे। जैसे जैसे सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा सेवाओं का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा और कहीं ना कहीं आर्थो पेशेंट्स को इस नए अस्पताल में जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी सुविधाएँ जो हैं उन्हें दी जाएंगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।